कृतज्ञ प्रणाम है धरा के इस परम भाग्यशाली अंश को, राम की पावन पवित्र जन्मभूमि को। इक्ष्वाकु वंश प्रभ वो राम नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। मैं केवल राम कहूं तो मर्यादा के समस्त सर्वोच्च मापदंड स्वतः परिभाषित और स्थापित हो जाते हैं। फिर भी मैं उन आदर्शों को बार बार रेखांकित करता हूँ जो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। नारायण के बाल स्वरूप के दुर्लभ दर्शन कर देवी कौशल्या कृतज्ञ हो रही है। उनकी बाल लीला देखने को लालायित हो रही है। स्त्री सम्मान का लोक बोध कराते हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जनकपुर पहुंचे हैं। वीरता धीरता गंभीरता एवं कोमलता इन समस्त गुणों और आचरणों को एक साथ धारण करते हुए राम दिखते हैं। इसी जनकपुर में मनोहारी छवि से युक्त दो राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को देख वाटिका का हर पुष्प कौतूहल में है एवं उत्सुकता में है। जनक दुलारी सीता श्याम वर्ण के राम के अनुपम सौंदर्य को देखकर सीता आह्लादित हो उठी है। स्वयंवर में शिव धनुष भंग करने वाले को सीता वरण कर ले। हिला सका न जिसे कोई बलशाली राम ने खंडित कर दिया है पद में उस शिव धनुष को। परंतु राम के पौरुष की परीक्षा तो अब होने वाली है। परशुराम के क्रोधपूर्ण आवेश को क्रोध से कोमलता से ग्रहण करते हैं श्री राम और वीरों की मर्यादा को नई ऊंचाई देते हैं। आज राम अयोध्या पधार रहे हैं, संग में संगिनी सीता है। नगर भर में सीता के सौंदर्य और सियाराम की अनुपम जोड़ी के वर्णन हो रहे हैं, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही संकेत दे रहा है। कैकेयी हठ ठान बैठी है, अयोध्या के सिंहासन पर भरत बैठेंगे और राम 14 वर्षों के वनवास को जाएंगे। दशरथ स्तब्ध है, स्तब्ध है नगरी। विराम
नाजों और विमर्शों से खुद की मर्यादा की रक्षा हेतु राम वन गमन को सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रसन्नता और अप्रसन्नता के भाव से परे राम नगर छोड़ चल पड़े हैं वन को। राम केवट को निषाद राज की उपाधि से अलंकृत करते हैं, दोनों समान हैं इसका बोध कराते हैं एवं गंगा पार कराने के लिए विनय पूर्वक आग्रह करते हैं। राम मानव समाज में ऊंच नीच के भेद को नकारते हैं। राम चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं। उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पड़े हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। अब इस राम कथा में मैं राक्षसी कन्या शूर्पणखा का प्रवेश देख रहा हूं। शूर्पणखा के प्रणय निवेदन को तो कोई सामान्य विवाहित पुरुष भी अस्वीकार कर देगा, ये तो राम है। तो क्या लक्ष्मण स्वीकार करेंगे शूर्पणखा का प्रणय निवेदन? कदापि नहीं। शूर्पणखा के नासिका विच्छेद के साथ ही शूर्पणखा अध्याय का अंत हो जाएगा, संशय है मुझे। उधर माता सीता ने